दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोक्यूब्स टेस्ट होता क्या है। बेसिकली हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि कोक्यूब्स का टेस्ट कितने नंबर्स का होता है और कितने मार्क्स गुड अच्छे हैं, गुड स्कोरिंग मार्क्स हैं। तो इसके बारे में कहीं भी कुछ वीडियोस नहीं पड़ी हैं यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि कोडिंग के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें, इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं बताऊँ कि हमारे जो भी चैनल्स के व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि हाँ, कोक्यूब्स होता क्या है। तो मैं बता दूं कि ये कोक्यूब्स एक थर्ड पार्टी है जो कंपनी और जो फ्रेशर्स होते हैं उनके बीच की ये थर्ड पार्टी होती है कोक्यूब्स, जो एग्ज़ाम करवाता है हर साल। तो इसके दो एग्ज़ाम्स होते हैं, दो बार आपको चांस मिलते हैं आपको देने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो भी स्कोर रहता है, अगर आप चाहें तो, अगर आपके स्कोर 530 हैं 800 में से, डेट मीन्स ये गुड स्कोर माना जाता है कोक्यूब्स के थ्रू। और अगर आपके स्कोर 530 से एबव जाने लगते हैं, अगर 600 के करीब है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही पॉइंट होता है कि आप 600 के करीब पहुंच जाएंगे। तो डैट मीन्स आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कैप जेमनी और बोस्ट, ये सारी कंपनीज जो हैं ये लगभग ये 600 नंबर्स के राउंड्स वो उनके मेल्स आते रहते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है एज ए फ्रेशर, कि जब कॉलेज में कभी कभी प्रॉब्लम्स ये होती है कि कंपनीज नहीं आती है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी टेंशन में होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स के पास उनमें खुद का टैलेंट है तो डैट मीन्स ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा होता है। जैसे एम कैट का होता है एग्ज़ाम, तो उसी तरह कोक्यूब्स का भी एग्ज़ाम होता है, बट वो उससे थोड़ा अच्छा लेवल है एम कैट से कोक्यूब्स का। तो मैंने सोचा ये वीडियो क्यों नहीं बनाना चाहिए, जबकि इसके बारे में कुछ भी वीडियोस हमें मिली नहीं कोक्यूब्स के बारे में यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा एक वीडियो में क्यों ना बनाऊं, जिससे कि पता चले यूजर्स को कि कोक्यूब्स का टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, कितने गुड स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। और हाँ, कोक्यूब्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं। पहला तो होता है एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट तीनों सेक्शन आता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है उसमें। और दूसरी होती है सेक्शन, वो होता है आपके रिटेन टेस्ट, वेट होता है। थर्ड होता है उसमें कोडिंग, इसमें लॉजिक्स बस लिख दो उसमें हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कंपाइलर इनबिल्ट होते हैं जिसमें मेन फंक्शन ऑटोमेटिक बिल्ड होते हैं, तो आपको बस लॉजिक लिखना होता है इसमें बेसिकली। और चौथा चीज़ होता है आपके डोमेन से होता है, और एक पांचवा होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो ये सारी चीज़ें कवर होके उसमें आती हैं, तो आपका उसके बेसिस पे मार्क्स कोक्यूब्स के थ्रू डिसाइड होता है। तो 530 गुड स्कोर माना जाता है कोक्यूब्स में। बाकी इसके बाद आपका जो भी परफॉर्मेंस रहता है इसके बाद, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में 50% होना चाहिए। हर इंडिविजुअल सब जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में 50% होना चाहिए आपका स्कोर, रीजनिंग में लिस्ट 50%, क्वांट में 50%, मतलब इंडिविजुअल देखा जाता है। अगर आपने अच्छा 575 भी स्कोर कर लिया तब भी कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आपने क्वांट या इसमें की 50% से कम हो तो आपके लिए वो प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल में 50% अगर आप करते हैं तो 530 के करीब आप पहुँच जाते हैं। तो ये गुड स्कोर होता है। अदरवाइज कुछ बच्चे 575 स्कोर भी पा जाते हैं, बट
होता क्या है कि इंग्लिश रीजनिंग या क्वांट में 50% से लेस होता है उनका, तो उनको वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैंने जो भी कंटेंट डाले वो रिलेटेड कोक्यूब्स था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोचूंगा फिर से मैं कोडिंग पार्ट पे अपने कंटिन्यू रहूँगा। तो अगर आपको कुछ भी डालना हो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा अपना ईमेल, तो वह आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से में मेल के थ्रू आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।